जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तितली की फोटो के बारे में आपको बताएंगे कि घर में इसको किस प्रकार से लगाना चाहिए ताकि पल भर में ही आप लोग मालामाल हो सके। तो दोस्तों, इसके बारे में ही आज की वीडियो रहेगी और किस प्रकार से कौन से तरीके से आपको ये फोटो लगानी चाहिए ताकि आपके घर की बरकत बढ़ती रहे, आपकी सुख समृद्धि, आपकी धन दौलत बढ़ती रहे, तो वही सब हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम अनेक तरह के सजावटी सामानों का उपयोग करते हैं, लेकिन इसी बीच हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि देखने में सुंदर लेकिन वास्तु के अनुसार अनावश्यक चीजों को तो नहीं हम लगा रहे हैं, क्योंकि घर की सुंदरता के साथ शांति और सुख संपन्नता भी आवश्यक होती है। तो दोस्तों, आज हम घर में तितली की तस्वीर को लगाने के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, कहा गया है कि घर की दीवार पर तितली की फोटो चिपकाने से कई तरह के फायदे होते हैं। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो या वह बेईमानी करता हो, मटर गस्ती करता हो, टाइम पास ज्यादा करता हो, तो ऐसे बच्चों के पढ़ाई वाले स्थान पर तितली की फोटो हमें जरूर चिपकानी चाहिए। इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एक पॉजिटिव एनर्जी बच्चों के स्टडी टेबल के या उनके स्टडी रूम के आसपास रहती है। और दूसरी जो बात है दोस्तों, वैवाहिक जीवन की परेशानियां भी दूर होती हैं। फेंग सुई की मान्यता के अनुसार कहा गया है कि घर में तितली की फोटो लगाना काफी शुभ होता है। पति पत्नी के बीच अक्सर हो रहे विवाद को दूर करने के लिए भी घर में तितली की फोटो हमें अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में बनी समस्याएं बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती हैं। और दोस्तों, तितली की फोटो को लगाने में आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए वो भी हम आपको बता देते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि अगर सम संख्या में तितली की तस्वीर घर में लगाई जाए तो जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, लक्ष्मी का प्रकाश होता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तितली की जब भी आप फोटो लगाएंगे तो आपको सम संख्या जैसे कि 2, 4, 6 इस तरह से पेयर में करके सम संख्या में आपको तितली की ये तस्वीर अपने घर में, जैसे कि बच्चों के स्टडी रूम में या अपने लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में, जहां पर भी आप लगा रहे हैं, बस जोड़े में सम संख्या में इसे लगाइएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस फोटो को इस तरीके से लगा लेते हैं तो आपके घर में कोई कलह क्लेश नहीं रहता है। इसलिए घर में तितली की फोटो लगाने के लिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विषम संख्या में 3, 5, 7, 9 या 13 इस तरह से हमें नहीं लगाना है। और दोस्तों, तितली के माध्यम से हम कैसे मालामाल हो सकते हैं इसके बारे में भी कुछ कहा गया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। घर में तितली लगाने से घर में धन आगमन के योग बनते हैं। कहा जाता है कि घर के अंदर की ओर उड़कर आती हुई तितलियां घर में पैसा खींच कर लाती हैं। घर में तितलियों को लगाना धन धान्य को बढ़ाने वाला होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने घर में तितली की फोटो लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा बाहर की तरफ से घर के अंदर की ओर उड़कर आती हुई तितलियों की फोटो ही आपको लगानी है। ओके दोस्तों, ये थी कुछ विशेष जानकारी जिसका सही विधि से उपयोग करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं और अपने भाग्य को चमका सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए लाभदायक भी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।